मैक्सिमा और मिनिमा का एग्जांपल 36 करते हैं। मान लीजिए बिंदु ए और बी पर क्रमशः ए पी तथा बी क्यू दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। यदि ए पी बराबर 16 मीटर, बी क्यू बराबर 22 मीटर और ए बी बराबर 20 मीटर हो तो ए बी पर एक ऐसा बिंदु आर ज्ञात कीजिए ताकि आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर निम्नतम हो। यानी ए और बी पर ए पी और बी क्यू दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, यानी आपका ये एक हो गया ए, ए से एक हमारा ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, एक ए पी हो गया ये, और ए पी 16 है और बी क्यू बड़ा है तो बी क्यू को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये दो स्तंभ हो गए हमारे बी क्यू, ये ए पी हो गया और ये बी क्यू, ये है आपका 16 मीटर और ये हमारा 22 मीटर। अच्छा ए और बी पर ये ए ये पी है बी क्यू बी क्यू, ए जो है जो ग्राउंड वाला बिंदु है उसको ए और बी है, तो ए पी और बी क्यू दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गए, हमारा ए पी 16 और बी क्यू 22 हो गया। ए बी बराबर 20 मीटर, जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है ये हमारा 20 मीटर है। तो ए बी पर एक ऐसा बिंदु आर ज्ञात कीजिए ताकि आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर न्यूनतम हो। यानी कि ए बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट होंगे और इसको हम लोग जब मिलाएंगे यहाँ से तो ये डिस्टेंस आएगा, चूँकि ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा और यहाँ से मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस, तो हमको R उस हिसाब से निकालना है। ये बिंदु R ऐसा जगह पे होना चाहिए ए बी के बीच में कि इनका जो डिस्टेंस का स्क्वायर पी आर स्क्वायर आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर ये क्या हो, न्यूनतम हो, निम्नतम। अब ये इसी में कहीं पे सेट हो रहा होगा कहीं पे, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई बिंदु R है जो इस तरीके से है कि यहाँ A से एक्स डिस्टेंस पे है और इसकी दूरी क्या हो रही है, जो आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर न्यूनतम हो रहा है, तो ये डिस्टेंस एक्स हम लोग मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स। अब ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस 16 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारा जो कर्ण है ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से इस समकोण त्रिभुज में अंडर रूट 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। तो हम लोग इसमें एक लाइन लिख देते हैं थोड़ा सा कि माना ए बी पर एक बिंदु आर इस प्रकार है, माना ए बी पर एक बिंदु आर इस प्रकार है कि ए बी बराबर एक्स मीटर है, तब आर बी हमारा क्या हो जाएगा, आर बी तब आर बी जो डिस्टेंस हम लोगों ने लिखा है ये 20 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा और आर पी स्क्वायर की अगर बात करें डिस्टेंस आर पी स्क्वायर ही हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर ही हमारा हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। अब आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर हमारी वैल्यू निकाल लेते हैं, पी आर को हो या आर पी को हो, आर पी, तो आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर पी स्क्वायर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर और ये हमारा 20 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग एस एक्स मान लेते हैं क्योंकि ये योग है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करें तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस
22 का स्क्वायर, तो एस एक्स इक्वल टू आ गया आपका एक्स स्क्वायर जोड़ के 2x² माइनस 40x प्लस ये 400 और 16 का वर्ग और 22 का वर्ग 256, 256 और 22 का वर्ग 484, तो 256 और 484 को आप जोड़ेंगे, 6 4 10, 8 5 13 14, हासिल 1 4 2 6 1 7 740 और 400, 740 और 400 को जोड़ेंगे तो आपका 1140 हो जाएगा। तो ये प्लस 1140। अब ये एस एक्स हमको आ गया, अब ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है कि इसकी न्यूनतम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू एक्स पे डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा डिफरेंशिएट करके जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो एस डैश एक्स सबसे पहले निकालते हैं। तो ये 4x माइनस 40, तो एस डैश एक्स इक्वल टू जीरो अगर हम लोग करें तो 4x माइनस 40 इक्वल टू जीरो, यानी 4x इक्वल टू 40, एक्स इक्वल टू 10। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हमारा आ गया एक्स इक्वल टू 10। अब जो मैक्सिमा या मिनिमा हमारा होना होगा उसी एक्स बराबर 10 पे होगा, तो मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए एस डबल डैश एक्स हम लोग निकालते हैं। तो एस डबल डैश एक्स हमारा क्या होगा, एस डैश एक्स 4x माइनस 40, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा 4 आ गया। इससे ये पता चला हमारा कि एस डबल डैश 10 जो क्रिटिकल पॉइंट 10 पे है ये तो हमेशा जो है ग्रेटर देन जीरो है, 4 ग्रेटर देन जीरो, 4 पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो है ही, यानी एस डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है सी, यानी एक्स बराबर 10 पे हमारा मिनिमा हो रहा है, यानी एक्स बराबर 10 होगा जब एक्स बराबर 10 पर एस एक्स न्यूनतम हो रहा है, यानी जब ए से डिस्टेंस हमारा 10 मीटर होगा तब जब हमारा ए से डिस्टेंस यानी ए आर बराबर 10, ये हमारा आंसर हो गया कि जब ये डिस्टेंस 10 मीटर होगा तब हमारा जो वर्गों का योग है डिस्टेंस आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर ये न्यूनतम होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 नंबर एग्जाम्पल है आपका। ये क्या कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त तीनों भुजाओं की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर है, तब समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। यानी जो ये कह रहे हैं कि जो समलंब चतुर्भुज आपका बन रहा है आधार को छोड़ के बाकी 10 सेंटीमीटर है, जैसे देखिए ये 10 सेंटीमीटर का ये हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर का एक भुजा, ये 10 सेंटीमीटर एक भुजा, ये 10 सेंटीमीटर, अब तीनों 10 सेंटीमीटर हैं तो यहाँ से हमको मिला दिया तो ये हमारा समलंब बन गया, तीनों भुजा 10 सेंटीमीटर है। यानी आधार के अतिरिक्त तीनों भुजाएं 10 सेंटीमीटर हैं, तो ये कह रहे हैं अब तीनों भुजाएं 10 सेंटीमीटर लेके बहुत सारे समलंब बन सकते हैं। देखिए एक समलंब फिर और बना रहे हैं कि ये 10 ही सेंटीमीटर हम लोग रखेंगे, अब इनका जो है एंगल यहाँ से ये जो 10 सेंटीमीटर भुजाएं वाली है इनका एंगल अगर हम लोग देखें ये कुछ भी बदल दें एंगल चेंज कर दें तो दूसरा समलंब बन जाएगा। तो चलिए हम लोग ये थोड़ा सा ये कर दिए, ये एंगल चेंज कर दिए, तो ये लेंथ तो वही रहेगी तो एंगल ये चेंज कर दिए, ये 10 सेंटीमीटर लेंथ हम लोग नहीं बदल रहे हैं, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, बस इसका इंक्लाइनेशन बदल दिए, तो ये हमारा समलंब देखिए दूसरा समलंब बन गया, इसका आधार दूसरा आ गया। तो जो बहुत सारे समलंब बनेंगे उनमें कोई एक समलंब तो होगा जिसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा, तो हमको वही समलंब चाहिए जिसका क्षेत्रफल अधिकतम है, तो एक समलंब हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। तो अब हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी, चूँकि तीनों भुजाएं आधार के अतिरिक्त 10 सेंटीमीटर, यहाँ से हम लोग इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं तो यहाँ से परपेंडिकुलर हम लोग डाल दिए तो ये 90 90 हो गया। अब
अगर ध्यान से देखें आप तो ये भुजा 10 सेंटीमीटर, ये भुजा 10 सेंटीमीटर और ये दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, तो ये दूरी और ये दूरी दोनों का बराबर होगा और ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है। तो समकोण और कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये जो लेंथ होगा, ये अगर एक्स होगा तो ये भी हमारा लेंथ एक्स होगा, ये दोनों लेंथ आपकी बराबर होगी। अगर दो त्रिभुज हैं, अगर दोनों समकोण हैं और कर्ण का लेंथ बराबर है और एक भुजा का बराबर है तो दोनों सर्वांगसम होते हैं और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये और ये डिस्टेंस बराबर हो गए। इसको हम लोग नाम दे देते हैं पी, इसको नाम दे देते हैं क्यू। अब ये डिस्टेंस हम लोगों ने एक्स मान लिया। अब जो समलंब का क्षेत्रफल हम लोग लिख सकते हैं, समलंब का क्षेत्रफल होता है एक बटा दो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी का योग गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या उनके बीच की दूरी। तो समलंब जो ए बी सी डी, समलंब का जो क्षेत्रफल आपका लिखेंगे एक बटा दो गुणे समांतर भुजाओं का योग। समांतर क्या है, ये भुजाएं डी सी और ए बी हैं, डी सी समांतर ए बी है। तो समांतर भुजाओं का योग यानी 10 प्लस ये हमारा क्या है एक्स प्लस ये क्या होगा, ये भी 10 होगा क्योंकि ये आयत बन रहा है, अपोजिट साइड बराबर होगा। तो 10 प्लस एक्स प्लस एक्स ये हमारा तो हो गया, ये भुजा एक्स प्लस 10 प्लस एक्स इंटू उनके बीच की दूरी, ये दूरी हमको चाहिए। तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारा हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग यानी अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, समलंब का एरिया 1/2, ये हमारा हो गया 20 प्लस 2x इंटू अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दो अगर हम लोग कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इंटू अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये x की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि एरिया हमारा कहाँ मैक्सिमम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए डैश एक्स निकालेंगे, ए डैश एक्स एरिया हमारा किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है ये। तो ए डैश एक्स इक्वल टू निकालेंगे और फिर उसको बराबर जीरो करेंगे तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। तो ए डैश एक्स हमारा हो गया, अब दो फलन का गुणा है तो हम लोग पहले फलन को ऐसे लिख लेते हैं एक्स प्लस 10 इंटू इसका डिफ्रेंसिएसन, चलिए ऐसे लिख देते हैं इंटू डिफ्रेंसिएसन ऑफ अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, आप अगले वाले को ऐसे लिख देंगे अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स प्लस 10। तो ए डैश एक्स हमारा हो गया एक्स प्लस 10 इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/2 रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 100 का जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर का -2x प्लस अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 10 का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया। ये इसको हम लोग और सॉल्व करें तो ए डैश एक्स बराबर ये हो गया आपका 100 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स प्लस 10 इंटू -2x प्लस अच्छा चलिए इसको ऐसे अभी कर लेते हैं अगले स्टेप में 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दो ख़त्म हो गया। तो ए डैश एक्स हमारा आ गया, ऊपर है हमारा माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 10 और इसको एलसीएम लेंगे तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देते हैं 100 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट, तो हर बराबर हो जाएगा। तो ये 100 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपान अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो ए डैश एक्स आ गया ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए डैश एक्स आपका आ गया
माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स स्क्वायर, अच्छा ये माइनस टेन एक्स होगा क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ये माइनस टेन एक्स होगा, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस हंड्रेड अपान अंडर रूट हंड्रेड माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया ए डैश एक्स। अब ए डैश एक्स को जीरो के बराबर करेंगे तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, तो ए डैश एक्स इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ से हमको मिलेगा माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस हंड्रेड इक्वल टू जीरो, दो कॉमन कर लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फिफ्टी इक्वल टू जीरो, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस पचास बराबर जीरो। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर टेन एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस पचास बराबर जीरो, तो एक्स कामन करेंगे तो एक्स प्लस टेन, यहाँ से माइनस फाइव तो एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो, एक में हो गया एक्स माइनस फाइव, एक में एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो करेंगे, एक्स इक्वल टू फाइव, एक्स प्लस टेन को इक्वल टू जीरो करेंगे तो माइनस टेन। अब क्रिटिकल पॉइंट हमारे दो आ गए, एक्स की वैल्यू फाइव और एक्स की वैल्यू माइनस टेन। अब ये हमारा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोग निगेटिव नहीं ले सकते, इसीलिए ये हमारा रिजेक्ट हो गया, क्योंकि एक्स जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा डिस्टेंस, तो एक्स बराबर फाइव हमारा क्रिटिकल पॉइंट पता चल गया। अब एक्स बराबर फाइव पे हमको देखना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो ए डैश एक्स हमारा निकला है ए डैश एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस हंड्रेड अपान अंडर रूट हंड्रेड माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, ए डबल डैश एक्स और उसका चिन्ह हम लोग एक्स बराबर फाइव पे देखेंगे, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग ए डबल डैश एक्स, डबल डिफरेंशिएशन ए डबल डैश एक्स, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग हर को ऐसे ही लिखेंगे, अंडर रूट हंड्रेड माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंश, यानी माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस हंड्रेड प्लस, अंश को ऐसे लिखेंगे यानी माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस हंड्रेड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट हंड्रेड माइनस एक्स स्क्वायर अपान हर का होल स्क्वायर हो जाता है, अंडर रूट हंड्रेड माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए डबल डैश एक्स आपका हो गया, ये हो गया अंडर रूट हंड्रेड माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया डिफरेंशिएशन माइनस फोर एक्स माइनस टेन, और ये प्लस माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस हंड्रेड, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया वन अपॉन टू रूट अंडर रूट हंड्रेड माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर हंड्रेड माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस टू एक्स, और नीचे हमारा हो गया हंड्रेड माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए डबल डैश एक्स आपका हो गया अंडर रूट ऑफ ये दो, ये दो से ख़त्म हो गया, तो अंडर रूट हंड्रेड माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस फोर एक्स माइनस टेन, और ये माइनस प्लस माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस हंड्रेड इंटू माइनस एक्स अपान अंडर रूट हंड्रेड माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरे का बटा है आपका हंड्रेड माइनस एक्स स्क्वायर। ए डबल डैश एक्स आपका हो गया, अब हंड्रेड माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हंड्रेड माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस फोर एक्स माइनस टेन, और ये माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स स्क्वायर माइनस हंड्रेड एक्स, और पूरे का बटा आपका अंडर रूट हंड्रेड माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट हंड्रेड माइनस एक्स स्क्वायर भी नीचे आ गया, और हंड्रेड माइनस एक्स स्क्वायर एक पहले से था, तो ए डबल डैश एक्स आपका आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर हंड्रेड एक्स माइनस वन थाउजेंड माइनस माइनस प्लस फोर एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स स्क्वायर माइनस हंड्रेड एक्स अपान हंड्रेड माइनस एक्स स्क्वायर के पावर टू बाई थ्री हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फोर एक्स क्यूब और टू एक्स क्यूब मिलके हो गया हमारा सिक्स एक्स क्यूब,
यहाँ पे जो हमारा फार्मूले में ये माइनस रहता है, यहाँ से हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस, अंश को ऐसे ही रखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ हर माइनस रहता है यहाँ पे। तो एक ये माइनस हमारा यहाँ पे ऑलरेडी जब पहले से हो जाएगा, थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। तो ये जो टर्म है इसके बाद वाले ये हमारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस। तो ये हम लोग ये स्टेप करके यहाँ से कर लेते हैं। ए डबल डैश एक्स आपका हो गया माइनस 400x माइनस 1000 प्लस 4x³ माइनस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 400x और फिर माइनस 1000 और फिर माइनस x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x³ और माइनस माइनस प्लस 10x² और माइनस 2x³ माइनस 10x² प्लस 100x अपान 100 माइनस x² के पावर 2/3। यानी a डबल डैश x हमारा हो गया 4x³ से 2x³ गया, ये 2x³ और 400 ये माइनस 300x, ये ख़त्म और 10x² ख़त्म हो गया। तो 4x³ से 2x³ गया 2x³ माइनस 400 से प्लस 100x गया माइनस 300 और माइनस 1000 अपान 100 माइनस x² के पावर 2/3। तो a डबल डैश x हमको पता चल गया, अब इसकी वैल्यू हम लोग चेक करेंगे x=5 पे। तो a डबल डैश x आपका जो आया डबल डिफरेंशिएशन 2x³ माइनस 300x माइनस 1000 अपान 100 माइनस x² के पावर 2/3। अब x=5 जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है उस पर इसकी वैल्यू चेक करते हैं, उससे पता चलेगा कि इसका हमारा मिनिमा है कि मैक्सिमा है। तो a डबल डैश 5, तो इसमें हम लोग x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 5, तो 2 × 5³ माइनस 300 × 5 माइनस 1000 अपान 100 माइनस 5² के होल पावर 2/3। तो a डबल डैश 5 हमारा हो गया 125 हो जाएगा, और 125 दुना 250 और माइनस 1500 माइनस 1000 बटा ये 100 माइनस 25 ये 75 के पावर 2/3। अब ये देखिए ये 250 प्लस में छोटा सा है, तो ये हमारा क्या आ गया लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमा होता है, यानी x बराबर 5 पर ए एक्स महत्तम होगा। यानी जब x=5 यहाँ से जो डिस्टेंस है तब जो एरिया हमारा होगा समलंब का, यानी x बराबर ये डिस्टेंस यहाँ से जब 5 होगा ये डिस्टेंस, तब हमारा समलंब का एरिया मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम एरिया भी हम लोग निकाल लेते हैं, x=5 तब एरिया मैक्सिमम होगा, और जो मैक्सिमम एरिया अधिकतम क्षेत्रफल इसका जो मान भी हम लोग निकाल लेते हैं, अधिकतम क्षेत्रफल 1/2 एरिया है 20 प्लस 2x इंटू √100 माइनस x², तो दिस =1/2 x=5 रख देंगे तो 2 × 5 प्लस √100 माइनस 5² तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया √30 और √75। तो ये हमारा हो जाएगा 15 × 75 को हम लोग 5 × 5 × 3 लिखेंगे तो 5 बाहर आ गया 5√3, तो 15 × 75√3 ये हमारा जो एरिया आएगा ये 75√3, ये एरिया जो अधिकतम मैक्सिमम आएगा ये 75√3।